हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल भाइब्रेट एजुकेशन। तो पिलामन आज हम कौन पढ़िया ना अष्टम श्रेणी क्लास अष्टम विषय कौन ना गणित। जो LRP एग्जाम आपकी तार रियल क्वेश्चन है जहाँकि आप 20 तारीख पे एग्जाम पड़ो। चलो डेनगरी क्लास टू को आरम्भ करें। पाने अलरेडी आम कौन इंग्लीश क्वेश्चन अपलोड कर सकते जो देखिए जल्दी जल्दी देखी दिखाँ। ओके चलो, तो पिलाने देखिपारे शिक्षण परिवहन कार्यक्रम 2022 अंतिम पर्याय मान निर्धारण क्लास 8 मिड टर्म एग्जाम मैथ पूर्ण संख्या पे 50 समय 40 मिनट विषय गणित श्रेणी अष्टम। ओके चलो, तुम्हें यहाँ जानते मुझे कहीदेवी अवधि पे ये आपंक नाम लिखे, ये विद्यालय नाम लिखे, ये आप ब्लक नाम लिखे, ये आप जिलार नाम लिखे, ये आपंक सिग्नेचर करेंगे, ये आप शिक्षक जी थे सिग्नेचर करेंगे। ओके चलो देख पे समस्त प्रश्नर उत्तर दि 1 × 5। ओके सबुज प्रश्न उत्तर देव आम संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर चारिपटे गोल बुलाओ, जो ठीक है तो चार गोल बुलेबे। ओके तो दिशिली बाक्स के आकृति तो दिशिली बाक्स पे के आकृति ना दिशिली बाक्स ऑप्शन क गोलक, ऑप्शन क समघन, ऑप्शन क आयतघन, ऑप्शन क सिलिंडर। तो के आकृति पे ना आयतघन। ओके नेक्स्ट देखिए पानखिल के आकृति तो पानखिल पे के आकृति कोन, प्रिज्म, सिलिंडर, आयतघन। पानखिल पे सिलिंडर आकृति। नेक्स्ट देखिए नड़िया गछर गंडी के आकृति ना नड़िया गछर गंडी पे आयतघन ना समघन, गोलक, सिलिंडर। नड़िया गछर गंडी पे सिलिंडर आकृति। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट बॉल रो केतोटी पृष्ठ अच्छे पे ना क्रिकेट बॉल रो दुईटी चारोटी एकटी छोटी तो कत पृष्ठ अच्छे क्रिकेट बॉल रो ना दुईटी पृष्ठ अच्छी। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी क्यों घन वस्तुर गोटे मात्र शीर्ष अच्छी, क्यों घन वस्तुर पे गोटे मात्र शीर्ष अच्छे, ऑप्शन क गोलक, ऑप्शन क कोन, ऑप्शन ग कौन प्रिज्म, ऑप्शन ख अर्धगोलक। तो क्यों घन वस्तुर पे गोटी मात्र कौन शीर्ष अच्छी ना पे आंसर हाँ ऑप्शन ख कोन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देख कौन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लुडु गोटे को गोटे केतोटी पृष्ठ अच्छे, लुडु गोटे पे केतोटी पृष्ठ अच्छे ना लुडु गोटे पे 6 पृष्ठ अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन देखिए इटार केतोटी धार अच्छी पे ना इटार पे टोटाल केतोटी धार अच्छी, इटार पे टोटाल 12 धार अच्छी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए रोल बाड़ी केतोटी पृष्ठ अच्छी, रोल बाड़ी पे 3 पृष्ठ अच्छी। ओके नेक्स्ट देख डबार केतोटी शीर्ष अच्छी ना पे डबार पे शीर्ष ना तो डबार आम 0 / 0 शीर्ष अच्छे लिखिपर। नेक्स्ट देख गोलकर केतोटी शीर्ष अच्छी ना पे गोलकर पे गोलकर 0 शीर्ष अच्छे लिखिपर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन दे पे तले दिखाई है कोण मान परिमाण प्रोटेक्टर साहय ना पिल प्रोटेक्टर आने पर गोटे मापी आप लिखे। ओके तो कौन करना प्रोटेक्टर को ये पकेबे यहाँ जिते डिग्री हो लिखे। ओके सहज क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन देखिए ना देजी एडा एमें एंगल पी क्यू आर परिणत करते हैं कोणटा केत पचार। ओके ये कोणटा पे मापी देखे जाना पड़ा होती कोण 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन देखिए ये गोटे ये बुझे कौन एंगल एक्स वाई जेड ये कोणटा केत कहते तो आप निजे मापी लिखीदेवे यहाँ पे। ओके डॉक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए ना 4 सेमी लंबर रेखाखंड को समाधिकरण कले प्रत्येक खंडर माप केत गोटे रेखाखंड अच्छी जहाँकि 4 सेमी। ओके यहाँ समखंड कर तो समखंड कल कि तार अधा हम मानते 4 अधा के 4/2 4 अधा कले 2 हूँ। ओके तो समखंड तो माप के आसवे ना 2 आस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन देखिए ना यही वर्गचित्र परिसीमा के पे देखते वर्गचित्र जो वर्गचित्र परिसीमा के गोटे भाग 3 सेमी हेल्ले सब गोटे भाग सामने मानते 3 × 4 = कैसे 12 तो यार आंसरटा पे कौन हो आंसर है 12 ये 12 लिखे। ओके नेक्स्ट देख 5 सेमी 7 सेमी आयुद्र परिसीमा के आयुद्र परिसीमा यहाँ द्रव्य दे 7 सेमी प्रस्त दे 5 सेमी मैंने द्रव्य प्रस्त। ओके तो 5 × 7 कले 35 आस आंसर है 35 बुझे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आमर कौन देखिए देख
ତେଜ ଏକ ଏହି ସମ୍ଭବ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କେତେ? ତାର ସମ୍ଭବ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କେତେ? ଗୋଟେ ହେଉ ଛଅ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ସମାନ ଛତିରି ଅଠର, ତ ପରିସୀମା କେତେ ବିଲ ମାନେ 18 ସେମି। ଓକେ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କୋଡ଼ିଏ, ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 49 ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି, ସରି ଆଇତି ଧରି ଗଲା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି। ଓକେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 49 ମାନେ ବାହୁ ସ୍କୋୟାର ବା ଏ ସ୍କୋୟାର, ଏ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 49 ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେବ? ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ଏକାନି ଆସିଲେ ରୁଟ୍ ହେବ ମାନେ 49ର ରୁଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7। ଓକେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା ଆନ୍ସର୍ ହେବ 7। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆୟତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ସେମି, ପ୍ରସ୍ତ 6 ସେମି ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଆୟତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ତ କଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 10 × 6 କଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 10 × 6 କଲେ 60। ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 60। ଓକେ ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା 60 ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମେ 20 ନମ୍ବର, ଏଇଟା 20 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ। ଓକେ ଏକ ବର୍ଗ ମିଟର କେତେ ବର୍ଗ ସେମି? ଏକ ବର୍ଗ ମିଟର ପିଲାମାନେ 10,000 ବର୍ଗ ସେମି। ଓକେ 1 × 4 = 0, 10,000 ବର୍ଗ ସେମି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର 21 ନମ୍ବର, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏତିକି ଦେଲା, ଏହାର ପ୍ରସ୍ତ ଏତିକି ହେଲେ ଦ୍ରଘ୍ୟ କେତେ? ଆମେ କ'ଣ ଦ୍ରଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଦ୍ରଘ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସ ନେବା ତାହେଲେ ଦ୍ରଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 20, ତ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଆସିବ? 20/5 ଗୁଣ ନେଇଛି ହରଣ ହେବ, 20/5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4, 5×20। ଓକେ 20/5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4। ତୁମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା? 24 ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା? ଓକେ କେତେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ସରି 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 ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା 21 ନମ୍ବର। ଓକେ 21 ନମ୍ବର ଦେଖରେ କ'ଣ ହେବ? ଆଇଜେଟ ଦ୍ରଘ୍ୟ ଦେଲା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଲା 35 ସେମି। ଓକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଲା, ଦ୍ରଘ୍ୟ ଦେଲା, କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ଦ୍ରଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଓକେ ଦ୍ରଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ 5×, ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରଘ୍ୟକୁ ଆମେ ଡି ନେଇଯିବା, 5×D କଲୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେତେ 60 ଏବେ ଦେଇଛି, ତ ଡି କଲି କେତେ ହେବ 35/5 କଲି କେତେ 7 ଆସିଲେ, ତାର 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? 7 ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 35, 22 ନମ୍ବର ସରି, ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା 20 ସେମି ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ବର୍ଗଚିତ୍ର ପରିସୀମା ମାନେ ପରିସୀମା, ପରିସୀମା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ପରିସୀମା ମାନେ 4×ଭାଗ ମାନେ 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଲେ 20, ତ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଗୋଟେ ଭାଗ ଦରକାର ହେବ, ଗୋଟେ ଭାଗ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4/20 ଇକ୍ୱାଲ୍ 5 ହେବ, ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଚାଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଏର ସ୍କୋୟାର, ଏର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5×2 କେତେ 25। ତୁମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲେ ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 23 ନମ୍ବରର, 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 25। ଓକେ 25। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 23 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ 23 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆୟୁଧ ଦ୍ରଘ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତର 2 ଗୁଣ, ଆୟୁଧ ଦ୍ରଘ୍ୟଟା ପ୍ରସ୍ତର 2 ଗୁଣ, ଦ୍ରଘ୍ୟ 10 ସେମି ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କଲେ ବୋଲି କେତେ ଆସିବ? 23 ନମ୍ବର ନା 50 ଆସିବ? ଓକେ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି, କରୁନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, 24 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏହି ରମ୍ବସର ପରିସୀମା କେତେ? ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦେଲେ 10 ମାନେ ସବୁଜ ଭାଗ ସମାନ ଦେଇଛି। ଓକେ ତ ଗୋଟିଏ 10 ହେଲେ ×4 କରିଦିଏ କେତେ ନା 40, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା 40 ବାହାରିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର, ଏକ ଚକର ବ୍ୟାସ ଦେଲେ 21, ଏହାର ବ୍ୟାସ କେତେ? ବ୍ୟାସ ଯଦି ଦେଲେ 21 ମାନେ ବ୍ୟାସ ଯଦି ଅଧା ହେବ ମାନେ 21/2 କଲେ କେତେ ଆସିବ ନା ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 10.5। ଓକେ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ 7 ସେମି ହେଲେ ଏହାର ପରିଧି କେତେ? ତ 26 ନମ୍ବର କ'ଣ ମାନେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ 8 = 7, r = 7, ତାର ପରିଧି କେତେ? ପରିଧି ସୂତ୍ର ଆମେ କ'ଣ 2/r ବା ବ୍ୟାସ। ଓକେ 2×π ହେଉଛି 22/7, × r ହେଉଛି 7, 7 × 7 କଟିଲା, 22×2 କେତେ 24। ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ନା ଆମର ଯେଉଁ 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଲା 44। ଓକେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା 44। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ଦେଲେ ଏତିକି, ଉଚ୍ଚ ଦେଲେ ସେତିକି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଆମେ କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2 ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା, ଭୂମିକୁ ବି ନିଅ ଉଚ୍ଚତାକୁ ହେଚ ନିଅ। ଓକେ ତ 1/2 ଭୂମି କେତେ? 20 ଦେଇଛି, 20×, ଉଚ୍ଚତା 5 = 2×2 = 10, 20 10×5 = 50, ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ? ନା 50 ବାହାରିବ, ଆନ୍ସର୍ 50। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମି 15 ସେମି, ଉଚ୍ଚତା 7 ସେମି ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଦେଖ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କଲେ ବିଲ୍ କେତେ ଆସିବ, କେତେ ଆସିବ ବିଲେ 28 ନମ୍ବର। ଓକେ 28 ନମ୍ବର କେତେ ଆସିବ ନା 10,500 ଆସିବ ଆନ୍ସର୍, 28ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା 10,500। ଓକେ ମଲ୍ କଠିନ ଏଇଟା ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ,
29 नंबर सरला पे नेक्स्ट देखिए 29 नंबर 29 नंबर देख कौन देखिए 29 कौन दे रिप्ले हाँ गोटे त्रिभुज भूमि 24 सेमी यार और क्षेत्रफल 120 सेमी है यार उच्चता के त्रिभुज दे तार भूमि दे 24 सेमी क्षेत्रफल दे 120 सेमी से प्रोसेस मुझे करी से प्रोसेस कल आंसर के 29 आंसर कर 10 सेमी ओके नेक्स्ट 30 नंबर देख गोटे वृत्तर व्यास चौदह परिधि कते आम कह वृत्तर व्यास परिधि कते ओके मैंने वृत्तर व्यास तार परिधि सूत्र कौन दुई पाई आर दुई इंटू बैश बत से कौन दे व्यास चौदह बोले व्यास द्वारा सात हम इंटु सात 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 कैनसल हो बैश इंटु दुई कल 44 तुम्हारा आंसर कौन आस बोले ना 30 नंबर आंसर आस 44 ओके 44 नेक्स्ट 31 नंबर देख वृत्तर परिधि दे 44 सेमी है यार व्यास देखते वृत्तर परिधि मैं दुई पाई आर इक्वल टू 44 पाई आर इक्वल कते 44 बाई टू मान 22 तो पाई इक्वल कते 22 बाई सात 22 बाई सात इंटु आर इक्वल 22 तो आर इक्वल कत 22 इंटु 22 सात एक आसे कौन हम सात बै सात बै 22 तो 22 बैश कटे कत सात बढ़े तो आंसर है कौन ना 31 नंबर आंसर हम पे मैंने 7 हम ओके नेक्स्ट देखिए 32 नंबर बस 32 नंबर पे कौन देखिए ना सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्रफल 120 सेमी और उच्चता 8 सेमी हेल्ला भूमि कत मैंने भूमिटा पे हम 15 सेमी ओके मैं करना नेक्स्ट देख 32 सर 33 नंबर देखिए आम 33 नंबर देख कौन देखिए 50 सेमी विशिष्ट त्रिभुजर भूमि 4 मीटर है यार क्षेत्रफल कैसे वर्ग मीटर जी से 50 सेमी उच्चता विशिष्ट एच 50 है भूमि बी इक्वल टू 4 है तार जो क्षेत्रफल पे कैसे हम क्षेत्रफल पे हम तो क्षेत्रफल तार पे आस वर्ग सेमी एक वर्ग सेमी ओके आंसर हम एक वर्ग सेमी 33 नंबर आंसर नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कौन देखिए सामुद्रिक क्षेत्रर भूमि दे 30 यार उच्चता अर्धक है क्षेत्रफल के उच्चता अर्धक क्षेत्रफल भूमि दे 30 तार क्षेत्रफल पे के 450 वर्ग सेमी ओके आंसर 450 वर्ग सेमी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आम चलो भिडियो लेंथी हो जाए ना सब प्रोसेस कला बेल देख कौन देना ग्राफ्ट देख पार्टी ग्राफ्ट गोटे के संख्याटी सब कम बढ़ी कम कौटा पे सब बढ़ी ना एक बढ़ी तो मैं लिखे सब कम एक बढ़ी नेक्स्ट के संख्याटी सब अधिक थर बढ़ी ना पे फाइव पड़ी सब अधिक थर किए बढ़ी ना फाइव पड़ी नेक्स्ट पाँच संख्या समुद्र कैसे थर बढ़ी पाँच देखा पाँच सहित कि बार पाँच संख्या समुद्र बार थर बढ़ी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन छः संख्याटी तीन ठार के थर अधिक बढ़ी छः संख्याटी देखिए छः संख्याटा ओके तीन तीन कैसे तीन चार थर बढ़ी छः संख्या आम बढ़ी दस थर तो सी के थर पे अधिक बढ़ी ना छः थर अधिक बढ़ी ओके बुझला पे किपर हो जाए गोटे सब बुझुच्छी ना सी के थर पे अधिक बढ़ी छः थर नेक्स्ट आम देखिए समुद्र केते थर लुडु गोटे गढ़ा जाए तो समुद्र पे के लुडु गोटे गढ़ा सब मिसी दि एक गोटे ये मिसी दि ओके एक दुई तीन 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 छः छः चार दस दस छः पंद्रह पंद्रह छः लुडो पे समुद्र के लुडु पड़ी लुडु गोटे पड़ी पचारे ओके तो के लुडु गोटे पड़ी पड़ी मैंने पे एगुड़ मिसीदेव ओके युड़ मिसीदेव तो एगुड़ मिसीदे सब आप दुई चार छः 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 बार बार आठ कोड़े कोड़े दस अठाई अठाई दस अठाई दुई के दस चालीस 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 दस पचास पचास दस षाठी तो आंसर के आसा पे ना 37 ओके तो आंसर मुझे डाउट अच्छी पे ओके ये आपने कमेंट करेंगे तो समुद्र के लुडु गोटे गढ़ा जाए ना ये आंसर 37 हम ओके तो नेक्स्ट देख नेक्स्ट आम कौन देखिए ना विभिन्न खेल भाग नहीं छात्र छात्री संख्या को चाली चिन्ह व्यवहार कर दी को देख प्रश्न गुड़िक उत्तर दे ओके देख क्यों खेल सब अधिक पिला भाग नहीं तो देखिए सब क्रिकेट अधिक पिला भाग नहीं तो आंसर लिखार क्रिकेट्रे ओके से आंसर आप कमेंट करेंगे क्रिकेट्रे नेक्स्ट देख क
କବାଡ଼ି ଖେଳରେ କେତେ ପିଲା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ନା କବାଡ଼ି ଖେଳ ପାଇଁ? କବାଡ଼ି ହୋଡ଼ିଟା 2:10, 2:12। କବାଡ଼ି ଖେଳରେ କେତେ ପିଲା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ନା 12 ଜଣ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଖେଳରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଖେଳ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ନେଇଥିଲେ? ଖୋଖୋରେ, ତ ଖୋଖୋ ଲେଖିଥିଲା ଖୋଖୋରେ। ନେକ୍ସଟ, ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ଖୋଖୋ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଅଧିକ ପିଲା ନେଇଥିଲେ ନା ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ପିଲାମାନେ ଖୋଖୋ ଅଧିକ 7 ଜଣ ଅଧିକ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 44 ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବା ଆମେ, ଖୋଖୋ ଓ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇ ଦେବ ଖୋଖୋ ଓ କ୍ରିକେଟର 33 ହେବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସ୍କେଲ କମ୍ପାସ ସାହାଯ୍ୟରେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କର। ସ୍କେଲ ନେବ, ଓକେ, କମ୍ପାସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚାବୁଡ଼ି ନେବ, ଚାବୁଡ଼ି ସେପେରି ଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାବୁଡ଼ି ନେବ, ତା ଏଇଠି ଅଙ୍କନ କରିଦେବ, 60 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ବାସ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରେଗୁଲର ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେୟାର କରିଦେବ। ଓକେ।